हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सॉलिड को अगर हम उसके नीचे के सरफेस को या अपर सरफेस या उसके किसी भी एज को हम पकड़ के किस तरीके से मूव और उसको स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं उसको फॉर व्यू में लेके आता हूँ, फिर मैं यहाँ से एक सॉलिड क्यूब ले लेता हूँ। सॉलिड क्यूब मैंने यहाँ से यह सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब देखिए मेरे पास में ये है, मैं चाहता हूँ कि इसके इस पॉइंट को, इस एज को, इस एज को, इस एज को और इसको, इन चारों एजेस को पकड़ के टेपर करूँ। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके एक एक एज को सेलेक्ट करूँगा। इस एज को मैंने सेलेक्ट किया, इस एज को मैंने सेलेक्ट किया, इस एज को मैंने सेलेक्ट किया एंड इस एज को मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे, मैंने इसके चारों एजेस को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको जैसे जाऊँ वैसे उसको मूव कर सकता हूँ। मैंने इसको इस तरीके से मूव कर दिया, इसको ऐसे मूव कर दिया, इसको मैंने यूँ मूव कर दिया और इसको मैंने यूँ मूव कर दिया ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे को टेपर करना है कि यहाँ से तो बड़ा रहे ये, लार्ज रहे, और यहाँ से ये छोटा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ में किसी भी पॉइंट को, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को पकड़ के छोटा कर दूँगा। तो जिससे क्या, ये 3D के अंदर छोटा होता है ना कि स्केल 1D या स्केल 2D के अंदर ये कम होएगा इसका साइज़। जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इसको मैंने पॉइंट को पकड़ा और इसको मैंने अंदर भी रखा, तो अब आप देखेंगे कि ये यहाँ से भी छोटा हुआ है, ये यहाँ से भी छोटा हुआ है ठीक है। ये सबसे अच्छी कमांड है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया डायमंड का, 0 प्रेस किया, 1 mm का बनाया, डायमंड बनाया ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ऑफसेट मारा 0.2 का, और ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और इसको मैंने यहाँ से सॉलिड किया, AC, या फिर मैं यहाँ से सॉलिड एब्स्ट्रूड करके स्ट्रेट करके मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दिया ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा टेपर हो जाए, तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसी के साथ मैंने इसको इस तरीके से कर दिया ठीक है। अब आप देखेंगे कि मेरा ये यहाँ से बड़ा है और ये यहाँ से छोटा हो चुका है ठीक है। ये कटर बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक क्यूब लेता हूँ, ये मेरे पास में हमें मेटल आ रहा है, ये हमारे पास में मेटल आ रहा है, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ठीक है। आप देखिए मेरे पास में इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे किया और इसको मैंने राइट व्यू में आके हल्का सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है सरफेस आपकी टेपर में भी आती है। तो मान लीजिए मेरे पास में ये सरफेस सही है, टेपर में है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, दो मैंने यहाँ से कर लिए। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में लॉफ्ट कमांड यूज़ में लेकर के सरफेस बनाना सिखाया था, तो मैंने यहाँ से लॉफ्ट सरफेस ली और इसको मैंने यहाँ से एक सरफेस बना दिया पर्सपेक्टिव में, आकर मैंने इसको यहाँ से मैंने इसको सॉलिड कर दिया ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरफ मूव करके इसको स्केल 1D कर दिया ठीक है। अब मेरे पास नहीं इस तरीके से आ रहा है, मुझे इसके पे कटर लगाना है। मान लीजिए मेरा स्टोन यहाँ सेट हो रहा है और मुझे यहाँ पे कटर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, पर्सपेक्टिव में आके वायर फ्रेम में आके शिफ्ट और कंट्रोल को एक साथ प्रेस करके और इसके एज को पकड़ूंगा, पकड़ा मैंने इसको और इसको मैंने हल्का सा ये मैंने यू मूव करके नीचे ला करके एडजस्ट किया मैं इसको। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं है ये, प्रैक्टिकल में तो ये इस तरीके से रहता है। मान लीजिए मुझे इस पर होल्ड करना है, तो मैं इसको अब इजीली होल्ड हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अभी मेरा यहाँ पे इजीली होल हो जाएगा। बुलियन डिफरेंस सेलेक्ट दिस वन, ये देखिए आप। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये भी टेपर्ड हो जाए, तो मैंने इस एज को शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैंने इसको प्रेस किया करके और इसको करके, अब आप देखिए मेरा ये टेपर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कमांड यूज़ में ले सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।